विस्तार ले देखो। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग ले रायगढ़ बरमकेला के डॉक्टर सकराजीत शासकीय महाविद्यालय में आज़ादी के 75 साल भविष्य के सपने विषय ले के राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के आयोजन करे गई। आप मल्ला बता दन के महाविद्यालय के अपन स्थापना काल के बाद ये चौथा राष्ट्रीय संगोष्ठी रही से, जेमा अलग अलग विश्वविद्यालय के कई विद्वान मन अपन विचार रखिन। ये दौरान विद्वजन शोधार्थी और महाविद्यालय के छात्र मन के संगोष्ठी के विषय के अनुरूप आलेख मन के स्मारिका में प्रकाशन घलो करे गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक उत्तरी जांगड़े और अन्य जनप्रतिनिधि मन के द्वारा विमोचन करे गई। स्मारिका में कुल 67 आलेख समाहित करे गई, जेमा कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर चंद्रशेखर पटेल के प्रमुख भूमिका रही। उन्हें संगोष्ठी में 82 विद्वजन मन के सहभागिता रही, जेमा प्रमुख वक्ता मन अपन विचार रखिन। गौर करे के बात ये के बरमकेला महाविद्यालय अपन स्थापना काल ले अभी तक जिन 4 राष्ट्रीय संगोष्ठी करी से तेन हर बार अपन बेहतरीन आयोजन करे के कारण पूरा प्रदेश में अलग पहचान बनाए में सफल रही से। ये दारी के आयोजन हाँ घलो दूसर महाविद्यालय मन ले अलग छाप छोड़े में सफल रही। 70 वर्ष और भारत के सपने विषय पर आयोजित यह सेमिनार निश्चित ही आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। देश आज़ाद होने के बाद अपनी यात्रा में कहां तक पहुंचा है और उसके सामने आज वर्तमान में किस प्रकार की चुनौतियां हैं जिससे निजात पाया जा सकता है, इन सब के ऊपर सेमिनार में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को इस हेतु बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। राजीत नायक शासकीय महाविद्यालय बरमकेला में एक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था आज़ादी के 75 साल भविष्य के सपने, जिसमें प्रदेश के एवं देश के विभिन्न महाविद्यालयों से प्राध्यापक गण पधारे, शोधार्थियों का लेख आया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, शिक्षाविदों का एवं समस्त छात्र छात्राओं का भारी योगदान रहा। लगभग 80 यहाँ पर शोध पत्र जो है पढ़े गए। जीत नायक शासकीय महाविद्यालय बरमकेला में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कम संसाधन के होते हुए भी इस महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि हम सभी लोगों के सहयोग से, हमारे टीम के सहयोग से ये महाविद्यालय आज नेशनल सेमिनार जिसका विषय है आज़ादी के 75 साल भविष्य के सपने, इस टॉपिक पर हम लोगों ने एक शोध संगोष्ठी का आयोजन किया था।